निवेदिता, पिछले करीब दो महीने से चल रहा लोकसभा चुनाव का शोर अब बस खत्म ही होने वाला है। सातों चरणों के चुनाव ठीक तरह से संपन्न हो गए। अब इंतजार है तो 23 मई का, जिस दिन मतगणना होगी। ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का आंकलन किया जाएगा, वोटों की गिनती होगी और उसी आधार पर साफ होगा कि कौन है देश में सत्ता पर काबिज होने वाली अगली सरकार। किसके सिर पर होगा लोकसभा चुनाव 2019 का ताज, जिसके लिए कई चैनल्स ने एग्जिट पोल्स के हिसाब से आंकलन किया है और कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिनसे साफ हो रहा है कि देश में फिर एक बार मोदी लहर चली है और नरेंद्र मोदी ही फिर एक बार सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। बीजेपी ही फिर एक बार जीतते हुए अगले 5 साल के लिए भारत को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने वाली है। आइए जानते हैं ऐसे 10 पॉइंट्स जिनके जरिए हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाले 5 साल के लिए मोदी सरकार ही बनने जा रही है। मोदी मैजिक का बड़ा वर्जन। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को जीत का सबसे बड़ा कारण माना गया था, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले भी मोदी का कद और ज्यादा बढ़ गया है। मोदी और बड़ा नाम बनकर 2014 से 2019 तक उभरे हैं। अब तो हालात ऐसे हैं कि उनके सामने विपक्ष का कोई भी नेता टिकता हुआ नजर नहीं आता, इसलिए माना जा रहा है कि अगले 5 साल तक भी मोदी का दबदबा कायम रह सकता है। उनकी मजबूत लीडरशिप को अभी तक कोई टक्कर नहीं दे सका है। राष्ट्रवाद। देश को बहुत लोगों ने महत्वता दी, लेकिन राष्ट्रवाद की किसी ने बात नहीं की। लेकिन मोदी सरकार के दौरान ये मुद्दा कुछ ऐसा उठा कि इस मुद्दे के आगे विपक्ष ही धराशायी हो गया। ये हुआ तब जब भारत सरकार ने पुलवामा हमले के बाद पाक में आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया, जिससे देश को लेकर लोग सुरक्षित महसूस करने लगे। अपने वतन के प्रति लोगों में एक प्यार की भावना जग उठी, जिससे लोग मान रहे हैं कि राष्ट्रवादी मोदी ने देश को सुरक्षित कर दिया है और आतंकियों से लड़ने का मादा रखते हैं, ये देश ने जान लिया है। राहुल प्रियंका के नेतृत्व पर सवाल। एग्जिट पोल्स के हिसाब से अगर फिर एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी का ही दबदबा है, तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर सवाल है। जिन प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने अपने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर खेला, अगर वो भी कमाल नहीं दिखा पाया तो फिर अब तो मानो कांग्रेस के हाथ खाली ही हो गए हैं। बिखरा हुआ विपक्ष। मोदी को हराने के लिए भले विपक्ष ने एकजुटता दिखाई हो, एक मंच पर इकट्ठे भी हुए हो, यूपी में सपा और बसपा ने हाथ भी मिलाया हो, लेकिन फिर भी मोदी के सामने विपक्ष बिखरा हुआ ही दिखाई दिया। विपक्ष में पीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं होना, अभी तक इस मुद्दे से जुड़ी सबसे अहम बात पर कोई चर्चा नहीं होना बताता है कि विपक्ष में एकजुटता सिर्फ नाम भर की है, जो मोदी के आगे कहीं भी नहीं टिकती। गठबंधन पर सवाल। यूपी और बिहार में जहां पर भी गठबंधन करने में अलग अलग पार्टियां सफल हुई हो, वहां गठबंधन बना रहेगा या नहीं कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। पार्टियां भले ही साथ होने के लाख दावे क्यों न कर लें, लेकिन परिणाम के आते ही किसी के भी किसी और के पाले में जाने में कितनी देरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। अमित शाह और मजबूत होंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का तिकड़म कितना ठीक बैठता है वो तो सभी जानते ही हैं। उनकी कई रणनीतियां कारगर साबित हुई हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी को अंदर से मजबूत करने में, साथी कार्यकर्ताओं में मजबूती और एकता कायम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते अमित शाह ने अपनी भूमिका को पार्टी के अंदर और मजबूत किया है। बढ़ सकते हैं सहयोगी दल। एग्जिट पोल्स के हिसाब से बीजेपी सत्ता में लौटती दिखाई दे रही है और एनडीए की सरकार एक बार फिर 2019 में बन जाती है तो फिर सहयोगी दल एनडीए से अलग होने से कतराएंगे और फिर वो अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि बीजेपी की शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर होंगे। क्षेत्रीय दलों में टकराव। एग्जिट पोल्स के संकेत अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच टकराव में कमी आएगी। फिर जिस तरह यूपी चुनाव में टकराव देखने को मिला था, इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी क्षेत्रीय दल का बीजेपी से टकराव कम ही देखने को मिला। कांग्रेस सरकारों पर संकट।
कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। लोकसभा चुनाव से पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में उम्मीद तब जगी जब हिंदी पट्टी वाले 3 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाई। लेकिन कांग्रेस की सरकारों पर संकट है, एक तो राज्यों को संभाल ना पाने का, फिर सहयोगी दलों की बैसाखी पर चलना भी कांग्रेस के लिए एक ड्रॉबैक है। और अगर सत्ता में एनडीए की सरकार आ गई तो कई राज्यों में कांग्रेस पर संकट के बादल मंडराना तय है। बीजेपी का दबदबा। इन चुनावों में बीजेपी ने उन राज्यों में भी अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की है जहां बीजेपी का आधार ही नहीं था, जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहां बीजेपी ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकारों को कुछ ऐसे घेरा है कि मुश्किल ही है कि यहां बीजेपी को अपने मकसद में सफलता हासिल होने में किसी तरह की कोई परेशानी आएगी। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स जो केंद्र में फिर एक बार मोदी सरकार के आने के मुद्दे को और मजबूती देते हैं। इन बिंदुओं के जरिए ये माना जा सकता है कि केंद्र में फिर एक बार मोदी सरकार आने की संभावना है। हालांकि तय तो 23 मई को ही होगा कि एग्जिट पोल्स का आकलन केंद्र में सरकार बनाने के लिए कितना सटीक बैठा। पहले तो मेरा यही काम रहता था कि पार्टी दफ्तर में शाम को आप लोगों के साथ चाय पीना। अब काफ़ी लोग बदल गए हैं, टीम काफ़ी, कुछ लोग पुराने अभी भी दिखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। वैसे मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैं मध्य प्रदेश में था तो वहीं से सीधा आपके बीच पहुँचा हूँ। और राज इसके बाद शायद अध्यक्ष जी ने मेरे लिए कोई काम नहीं रखा है, इसके बाद भी है। मैं मानता हूं कि कुछ बातें दुनिया के लिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की ताकत क्या है ये विश्व के सामने ले जाना, ये हम सबका दायित्व है। ये कोई सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और मैं मानूंगा कि विश्व को हमने प्रभावित करना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी विविधताओं से भरी हुई है, कितनी अच्छाइयाँ हैं उसमें। अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, 2 चुनाव ऐसे गए 2009 और 2014 के, IPL मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, IPL मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं और सब कुछ। यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूँ, ये भारत के गौरव की बात है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग भी, और मैंने देखा है शायद पत्रकारिता जगत में नेचुरल कैलेमिटी जब होती है तब उनकी हालत बड़ी ख़राब होती है, दौड़ना पड़ता है। और दूसरी शायद चुनाव के समय होता है कि इतनी उनको इतनी कंपटीशन होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी धूल फाँकनी पड़ती है। और सोशल मीडिया आने के बाद डबल अकाउंटेबिलिटी हो गई, एक तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की और दूसरी पर्सनल जो ट्वीट करते हैं उसकी, तो उसके लिए डबल अकाउंटेबिलिटी में आपको काम करना पड़ रहा है। तो आपने भी बहुत परिश्रम किया है, जरूर 23 तारीख तक आपको कुछ न कुछ आराम आपके ऑफिस से मिलेगा, हमारी तरफ से तो जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत शानदार रहा चुनाव, एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ। और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए,
ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया हो और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितने ही सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया उसको, किसी को एक साल मिल गया, दो साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। कभी न कभी इसका एनालिसिस आपके यहाँ जो पंडित लोग हैं उन्होंने जरूर करना चाहिए। आपको लोगों को तो शायद उतनी स्पेस मिलती नहीं है, आपको तो थोड़ी थोड़ा चीज़ें दे करके दिन गुजारना पड़ता है, लेकिन ज़रूर जब आप एडिट बोर्ड में मिलने जुलने का मौका मिलता होगा तो ज़रूर ये बातें आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा है, जब मैं चुनाव के लिए निकला तब ये मन बना करके निकला था और आज आखिरी सभा तक उसी बात को मैं बराबर अपने आप को उसी धार पर रखा हूँ।